हाय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तीखी कुरकुरी सेव। बहुत ही जल्दी बनती है ये और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें ये 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे, 1 टीस्पून साबुत जीरा और 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। पहले हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं और बाद में पानी ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे और फिर से पीस लेंगे। तो ये अब पीसने के बाद हम इसे स्ट्रेन करके लेते हैं, यानी कि हमें सिर्फ इसका पानी ही चाहिए। जीरा और अजवाइन सेव मेकर में बीच में ही अटक जाते हैं, तो इसे अवॉइड करने के लिए हम इसका सिर्फ पानी ही लेंगे। तो अब हमें एक मिक्सर बनाना है, उसके लिए हम एक परात लेंगे और ये मैंने पैकेट वाला कच्चा बेसन लिया है। इससे हमारी सेव बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो ये 1 कप मैंने बेसन लिया है और इसे मैंने छान कर लिया है। उसके बाद 2 टेबलस्पून चावल का आटा डालेंगे और पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करने के बाद हमें इसमें 2 बड़े चम्मच गरम तेल ऐड कर देना है। और अब हमें इसे मिक्स कैसे करना है, तो इस तरह से हम हथेलियों पर बेसन लेंगे और इसे मसल देंगे। इस तरह करते हुए 1 मिनट के बाद हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। उसके लिए हम 1/2 चम्मच हल्दी, 2 से 3 पिंच हींग, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। और फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसमें लहसुन, जीरा और अजवाइन का जो हमने पानी बना के रखा था वो ऐड कर देना है। और बिना पानी यूज़ किए पहले हम इसे घोट लेते हैं अच्छे से। पहले हम इसी पानी से सॉफ्ट डो बना लेंगे। यहाँ पे डो तैयार है, अब हम इसे पानी लगा लगा कर अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। अगर आटा हार्ड बन गया तो वो सेव मेकर से जल्दी से बाहर नहीं आएगा, तो इस तरह से हमें पंचेस लगाकर 10 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लेना है। और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इलास्टिसिटी होनी चाहिए इसकी। तो आटा परफेक्ट बना है, इसे हम 20 मिनट के लिए रेस्ट होने देते हैं। 20 मिनट के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए और पानी लगाकर गूंथ लेते हैं और फिर हम सांचे को अंदर से तेल लगाएंगे और इस तरह से बारीक सेव वाली प्लेट आती है वो हम इसमें इंसर्ट करेंगे। अगर आपको बड़ी सेव चाहिए तो आप बड़ी वाली प्लेट इंसर्ट करिए। और फिर हम ये आटा इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने तेल को हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है, अब हम सेव बनाते हैं। अगर आपकी इस तरह से सेव ऑयल के ऊपर ही घूमती रहती है तो आप एक फोक लीजिए और इस तरह से कंट्रोल कीजिए। सेव डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। सेव फ्राई होने के लिए सिर्फ 1.5 से 2 मिनट लगते हैं। 1 मिनट में नीचे की साइड फ्राई हो जाती है, तब हम इसे टर्न करेंगे। और जब सेव का कलर गोल्डन हो जाए तब हम इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे। दूसरी बार सेव बनाते वक्त हम पहले ऑयल को हाई फ्लेम पर गर्म होने देंगे और फिर सेव बनाएंगे। और सेव डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और बस 2 मिनट के अंदर हमारी सेव बनकर तैयार हो जाती है। आप इसमें मसालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। तो मैं अब इसी प्रोसेस से सारी सेव को बना लेती हूँ। तो आप ये स्पाइसी सेव चाट में डालकर या फिर पोहे के साथ या फिर स्नैक्स के टाइम भी ऐसे ही खा सकते हो। तो इस दिवाली आप इसे बनाइए और दूसरों को भी खिलाइए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।